हज कमेटी ऑफ इंडिया के मेंबर सैयद मकसूद अशरफ ने हज कमेटी में फैली बंद इंतजामी से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया है। ये जानकारी उन्होंने लखनऊ की यूपी प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साझा की। इस दौरान उन्होंने हज कमेटी ऑफ इंडिया के कामकाज को लेकर कई संजीदा सवाल भी खड़े किए हैं। सैयद मकसूद अशरफ ने हज कमेटी पर कई संजीदा सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अपना इस्तीफा देने का बेहद अफसोस है, लेकिन अब हज कमेटी में कोई सुनवाई नहीं है तो हज का मेंबर रहकर क्या करूंगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि हाजियों से 18% GST लिया जा रहा है, जबकि इंटरनेशनल उड़ान पर GST सिर्फ 5%। साथ ही उन्होंने मदीना में हाजियों की ठहरने के इंतजाम पर भी कई सवाल खड़े किए हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि मैंने इन सब परेशानियों को कई बार हज कमेटी के आला अफसर और मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को भी अवगत कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई तो ऐसे पद पर बने रहने से भला क्या फायदा है, इसलिए मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। इसी बात को अप्रूव करते फिर उस चीज को हम बाहर लाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर हज कमेटी ऑफ इंडिया उस बात को अप्रूव करती है कि ठीक है हमारी पॉलिसी में अब ये चीजें आई, उसके बाद अगर मिनिस्ट्री उसको ओवररूल कर जाती है, उसको नजरअंदाज कर जाती है, तो मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा शौकी मेरे लिए कुछ है। अब मुझे बड़े दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि मैंने अपना इस्तीफा, अपना रिजिग्नेशन माइनॉरिटीज अफेयर मिनिस्टर को भेज दिया है। इसकी कॉपी मैंने अपने चेयरमैन को दी, CEO को इन्फॉर्मेशन के लिए दे दिया है। तो एक तो मैं यहाँ से ऐलान करता हूँ कि मैंने ना चाहते हुए बहुत दुख और दर्द के साथ अपना इस्तीफा भेज दिया है। ये आप लोगों को इसकी खबर दे रहा हूँ ताकि इसमें पूरी तरीके से, और उसकी वजह है, इस्तीफा देना किसी चीज़ का हल नहीं है, सिस्टम का हिस्सा रहते हुए हो सकता है ज़्यादा बेहतर तरीके से हम उस बात को उठाते, और हमने अंदर बहुत अच्छे तरीके से उठाया है। मेरे चेयरमैन को इस बात का अफसोस है कि मैं क्विट कर रहा हूं, चूँकि मैंने उनको बता दिया और मैंने बताया कि चूँकि आप हेल्पलेस हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपसे जब बात होती है तो आप अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, मेंबर्स की मेजॉरिटी आपके साथ है, बावजूद उसके जो चीज़ें ओवररूल होती हैं, मेरा इतना बड़ा कद नहीं है कि मैं मिनिस्ट्री से सवाल पूछूं कि ये चीज़ आपने क्यों नहीं। मैंने न्यूज़ से संवाददाता फरीदुल हसन की रिपोर्ट।